आज 14 दिसंबर है, मंडे। अपने मैथ के नोट्स ओपन करने, पेज नंबर 122। आज हम करेंगे मनी कन्वर्सेशन। सिड हैज़ चेंज कन्वर्टेड दी सम ऑफ मनी इनटू पैसा ओनली। सिड ने सम ऑफ मनी को पैसे में कन्वर्ट किया है। आज हम सीखेंगे पैसे को रुपीस में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रुपीस को पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रुपीस 1.00, इसको जब हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 100 पैसे। रुपीस 3.00, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो लिखेंगे 300 पैसे। इसी तरह रुपीस 4.50, जब कन्वर्ट किया पैसे में तो 450 पैसे। रुपीस 5.75 = 575 पैसे। रुपीस 21.60, जब इसको कन्वर्ट किया पैसे में लिखेंगे 2160 पैसे। इसी तरह रुपीज़ 100.15 को कन्वर्ट किया पैसे में तो लिखेंगे 115 पैसे। नेक्स्ट पे आ जाएं। नाउ कन्वर्ट दीज इनटू पैसे ओनली। रुपीज़ 62.10, इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम पैसे में तो लिखेंगे 6210 पैसे। सेकेंड क्वेश्चन है 120 रुपीज़, 123.45, इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 12345 पैसे। थर्ड क्वेश्चन है सी रुपीज़ 9.85, कन्वर्ट करेंगे 985 पैसे। डी क्वेश्चन है हमारा रुपीज़ 496.15, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे 49615 पैसे। ई क्वेश्चन है हमारा रुपीज़ 21.05, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसे में तो लिखेंगे 22105 पैसे। एफ क्वेश्चन है रुपीज़ 18.75, जब कन्वर्ट किया इसको तो लिखेंगे 1875 पैसे। हेयर सिड हैज़ कन्वर्टेड पैसे इनटू रुपीज़ एंड पैसे। अब पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है 200 पैसे, इसको जब हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे रुपीस 2.00। 415 पैसे, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे रुपीस 4.15। 605 पैसे इज इक्वल टू रुपीस 6.05। 1075 पैसे, जब इसको कन्वर्ट करेंगे रुपीस में तो लिखेंगे रुपीस 10.75। 6490 पैसे, इसको जब कन्वर्ट किया तो लिखा रुपीज़ 64.90। 5325 पैसे, इसको जब हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो लिखेंगे 53.25। ईजी टू कन्वर्ट पैसे इंटू रुपीज़ एंड पैसे, स्टार्ट फ्रॉम द राइट राउंड टू काउंट टू नंबर्स टू द लेफ्ट, देन पुट अ पॉइंट। सेकेंड पे आ जाएं। नाउ कन्वर्ट दीज इंटू रुपीस एंड पैसे। अब हम पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे 725 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 7.25। पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है, जब इसको कन्वर्ट करेंगे हम रुपीस में तो पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे। बी क्वेश्चन है 1035 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 10.35। सी क्वेश्चन है 380 पैसे रुपीज़ 3.80। डी क्वेश्चन पे आ जाए 905 पैसे इज इक्वल टू, जब इसको रुपीस में कन्वर्ट किया रुपीज़ 9.05। ई पे आ जाए 3840 पैसे रुपीज़ 38.40। एफ क्वेश्चन है 4500 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 45.00। जी है हमारा क्वेश्चन 345 पैसे, जब इसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में रुपीज़ 3.45। एच पे आ जाए 5965 पैसे, जब इसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में तो लिखेंगे रुपीज़ 59.65। आई पे आ जाए
7,605 पैसे। जब इसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में तो लिखेंगे रुपीज़ 76.05। जब भी हम पैसे को कन्वर्ट करेंगे रुपीज़ में तो पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे, जब रुपीज़ को कन्वर्ट करेंगे पैसे की शक्ल में तब पॉइंट नहीं आएगा। यह आपने काम ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कॉपीज़ पे करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। शुक्रिया।